वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? यस, आप लोग जानते हो किसी भी सब्सटेंस की सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने की टेंडेंसी। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेसेस द मैक्सिमम अमाउंट, हम किसी भी सब्सटेंस का कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हैं, विच कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपली हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट विच कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। टेम्परेचर को स्पेसिफिक हमने क्यों लिया है? क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। एज सॉल्युबिलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये तो जर्नल सी बात है, हम इसकी डेफिनेशन पे भी आएंगे। अब कुछ एक जर्नल सी टर्म्स हैं जो हम बार बार चैप्टर के अंदर यूज करने वाले हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, व्हाट इज दैट, पहले उनको देख लेते हैं फिर हम सॉल्युबिलिटी को आगे स्टडी करेंगे। व्हाट आर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड जिसके अंदर और कोई सब्सटेंस हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। हम एक गिलास पानी के अंदर चीनी को घोल रहे हैं, एक चम्मच डाला वो घुल जाएगी, एक और चम्मच डाला वो भी घुल जाएगी, तीन चार चम्मच के बाद जब आप और चीनी उसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे इट विल नॉट डिसॉल्व। मींस अब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, उसके अंदर और ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं कर सकती। तो अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट हैपेंस, आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया लेकिन जैसे ही आप उसको हीट करेंगे इट विल डिसॉल्व। टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है इट इंक्रीजेस। ओके, अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या हुए? जिनके अंदर आप और सॉल्यूट डाल सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच आपने शुगर डाल दी तो अभी वो अनसैचुरेटेड है, उसके अंदर और शुगर डिसॉल्व हो सकती है। A solution in which more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called unsaturated solution. तो super saturated solution क्या हुआ? Super saturated मतलब saturated से भी ऊपर चला गया, ठीक है। A solution which contain excess of solute than required for the formation of saturated solution. कि मान लीजिए 4 spoon ऑफ शुगर जब हम 1 glass ऑफ वाटर के अंदर ऐड करते हैं इट फॉर्म्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, लेकिन हमने 2 चम्मच और डाल दिए तो वो जो एक्सेस सॉल्यूट डाला ना हमने, अब वो उसमें डिसॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। एडेड एक्सेस सॉल्यूट डज नॉट डिसॉल्व, लेकिन अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितना उसको सैचुरेटेड करने के लिए सॉल्यूट चाहिए था उससे ज्यादा प्रेजेंट है। सो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी के डिफरेंट फेजेस क्या हैं। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ओके, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, हम सॉलिड को लिक्विड में घोलने की बात करेंगे। पहले आप एग्जांपल ले सकते हैं शुगर इन वाटर और सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट इन वाटर। तो सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व कर जाता है। क्यों? बिकॉज इट्स पार्टिकल्स गो इन टू द लिक्विड एंड इट्स कंसेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। जब कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करता है मींस उसके पार्टिकल पूरे पानी के अंदर फैल जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। ओके, अब जब डिसॉल्व हो गया तो कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, जो हमने सॉलिड सॉल्यूट डाला उसके साथ टकराते हैं एंड गेट प्रेसिपिटेट आउट,
और वो प्रेसिपिटेट बन के सेटल हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन का बिल्कुल उल्टा, दे गेट प्रेसिपिटेट आउट, राइट? ओके, अब ये जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन का, ये तब तक चलता रहता है जब तक द सॉल्यूशन अटेन्स अ मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, मींस वो सैचुरेटेड नहीं हो जाता। डिसोल्यूशन चलती रहेगी, सॉल्यूट लिक्विड के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर घुलता रहेगा, उसके पार्टिकल्स उसमें पूरे के अंदर फैलते जाएंगे जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता। जैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, मैंने आपको क्या बताया था, कैसे पता चलता है नाउ इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि जब आप और सॉल्यूट डालोगे पानी में, और चीनी डालोगे, आपने नींबू पानी बनाया होगा तो देखना नीचे चीनी रह ही जाती है क्योंकि हम लोग एक्सेस में डालते हैं, ठीक है? तो वो नीचे सेटल्ड दिखाई देता है, मींस अब ये सैचुरेटेड है, इसे ज्यादा चीनी नहीं घुलेगी, आप जितना चाहे उसको स्टिरिंग करते रहो। तो उस स्टेज के ऊपर जब अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, एन इक्विलिब्रियम गेट्स एस्टेब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया वहां पे। और ये इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में हुआ है, दो प्रोसेसेस हैं, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन कब होता है, जब सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब फॉरवर्ड वाली रिएक्शन जो है, दिस मेंट फॉर डिसोल्यूशन, ये हो रही है डिसोल्यूशन और बन गया सॉल्यूशन। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, तो इसमें एक्सेस सॉल्यूट होता है, तो ये क्या करेगा, वापस क्रिस्टलाइजेशन होकर वापिस बना देता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अलग अलग। मतलब डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ये दो ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं, फॉरवर्ड जाते हुए सॉल्यूट घुल रहा है, वापिस आते हुए सॉल्यूट वापिस सॉलिड फॉर्म में आता जा रहा है। नाउ दिस सॉल्यूट इज सॉलिड, सॉल्वेंट इज लिक्विड, ठीक है? तो ये हमारे पास बन गया सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन है, इट विल रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी। कब? अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हम सेम रखते हैं, जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है। अब इस सिचुएशन के अंदर जितना सॉल्यूट हम घोल सकते थे, दैट मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी, और उसको आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो जब आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी एक फिक्स्ड अमाउंट में लेते हो, क्योंकि शुरू में ही आपने पढ़ा था कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे नहीं है एक चम्मच आपने चीनी का लिया और एक ड्रम भर के पानी ले लिया कि हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, बहुत कम कंसेंट्रेशन रहेगी। तो सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मापदंड रखना पड़ता है। तो इस तरीके से डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, दो अपोजिंग फोर्सेस दे प्ले ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। कब? जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया तो ये इक्विलिब्रियम अटेन होता है, और इस स्टेज के ऊपर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग के अंदर हम सॉल्युबिलिटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, इट मे बी डिफाइंड एज, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिसॉल्व्स इन, स्टैंडर्डाइज हो गया 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इट इज डिफाइंड एज, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मींस वो सॉल्यूशन जिसके अंदर अब और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड, तो उसमें कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मैक्सिमम, द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हैज द हाईएस्ट वैल्यू इन आ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उससे ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, there are three major factors, and that is nature of solute and solvent, effect of temperature and effect of pressure. ये तीनों आपने नोट कर लेने हैं, उसके बाद वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
देखो सॉल्युबिलिटी इट फॉलोज द बेसिक रूल लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में ही घुलेगा, ठीक है। जैसे शरारती बच्चे शरारती बच्चों की कंपनी ढूंढ लेते हैं, राइट, उसी तरीके से जो जैसा है वो वैसी ही कंपनी में एडजस्ट होगा। तो जनरली जो सॉलिड है दे डिजोल्व इन अ लिक्विड इफ द इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर। एक जैसी इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शंस होंगी तो वो आसानी से एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शंस। तो बेसिक रूल लाइक डिजोल्व लाइक, इसका क्या मतलब हुआ, मींस जो पोलर सॉल्यूट्स हैं दे विल डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, ठीक है, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं दे डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन ईथर कार्बन टेट्राक्लोराइड और भी बहुत सारे। अब एग्जांपल देखो, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड, शुगर इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन आपको पता है चीनी पानी में आराम से घुल जाती है। सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजोल्व रेडिली इन वाटर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज मच मोर देन शुगर। क्वेश्चन एक नंबर का कि सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर शुगर से ज्यादा सॉल्युबल क्यों है, रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड है आयनिक कंपाउंड और वाटर क्या है, पोलर, एंड शुगर इट इज नॉन पोलर एंड कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड है बट इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर आप देख लीजिए वैल्यू 5.3 मोल पर लीटर और शुगर की रहती है 3.8 मोल पर लीटर। तो शुगर की सॉल्युबिलिटी सोडियम क्लोराइड से कम किस वजह से, क्योंकि शुगर कोवेलेंट है और सोडियम क्लोराइड इज आयोनिक। अब दूसरी तरफ हम बात करें नॉन पोलर कंपाउंड्स की, नेप्थलीन है एंथ्रासीन है, नाउ दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलेंगे, दे डिजोल्व इन बेंजीन, ठीक है, बेंजीन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अब सोडियम क्लोराइड और शुगर को आप बेंजीन में घोलने की बात करें तो ये दे डू नॉट, बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट, वो इसके अंदर बेंजीन के अंदर डिजोल्व नहीं करेंगे। चलो एंथ्रासीन बेंजीन ये चीजें हमारे घर में नहीं होती हैं, बट आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, सोडियम क्लोराइड पोलर में घुलेगा, ओके पानी में डिजोल्व कर दीजिए। अब नॉन पोलर कंपाउंड आपके किचन में रहता है, आप सरसों का ऑयल लीजिए, मस्टर्ड ऑयल, उसके अंदर नमक को घोलने की कोशिश करना, इट विल नॉट डिजोल्व, क्योंकि तेल के अंदर वही चीजें घुलेंगी ऑर्गेनिक, जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके जैसी होगी, और पानी के अंदर वो चीजें घुलेगी जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पानी के मॉलिक्यूल जैसी होगी, पोलर। तो इट वॉज द रीजन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट व्हाई दे डिजोल्व इन पर्टिकुलर लिक्विड, लाइक डिजोल्व लाइक को फॉलो करेंगे, और इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन की सिमिलैरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये था नेचर, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। तो देखिए टेम्परेचर हैज अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ सॉल्वेंट एंड द सॉल्युबिलिटी मे इंक्रीज और डिक्रीज। ऐसा नहीं है सिर्फ इंक्रीज ही करती है या डिक्रीज ही करती है, या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। और हमारे पास ऐसे भी केस हैं कि सेम सॉलिड के अंदर कभी वो इंक्रीज करती है कभी वो डिक्रीज करती है, बहुत इंटरेस्टिंग है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए मेरे पास एक एग्जांपल जिसमें ये इंक्रीज करने वाली है, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, अमोनियम क्लोराइड है KCl है सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड सोडियम क्लोराइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इनकी सॉल्युबिलिटी इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक एक नंबर के बहुत से क्वेश्चंस हैं, क्यों, बिकॉज डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर दीज सॉल्यूट्स इज एंडोथर्मिक, जब इनको डिसॉल्व करते हैं दे एब्जॉर्ब एनर्जी, द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। तो सॉल्यूट कोई भी इनमें से ले लो, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो हीट एब्जॉर्ब होगी, सॉल्यूशन बन गया। तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस आगे जाते हुए डेल्टा एच पॉजिटिव एंड क्रिस्टलाइजेशन दिस इज नेगेटिव। अब लगाओ जरा इस पे ली चैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, अगर इस सिचुएशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है व्हाट विल हैपन, इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन को शिफ्ट करता है,
जिस डायरेक्शन में जाने पर उस एक्स्ट्रा टेम्परेचर को खत्म किया जा सके, इट मे कंज्यूम, और वो कौन सी रिएक्शन होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव। यही टेम्परेचर को खाएगी ना, कंज्यूम करेगी, मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकम्स फास्टर इस केस में। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकम्स फास्टर अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल। तो इस केस के अंदर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इज फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रही है, दैट इज प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीजेस, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीजेस, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज सॉल्यूट्स इंक्रीजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल लगा है, डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। रीजन, क्योंकि देयर प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इट इज एक्सोथर्मिक, दे आर हैविंग डेल्टा एच नेगेटिव। ओके, अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ली चैटलर प्रिंसिपल के हिसाब से जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक डायरेक्शन को ही जाएगा, क्योंकि वही उस एक्स्ट्रा टेम्परेचर को कंज्यूम कर सकती है। लेकिन इस केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन इज बैकवर्ड, इट इज बैकवर्ड इन दिस केस, देयरफॉर डिसोल्यूशन कम हो गई और क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा हो गई, देयरफॉर डिसोल्यूशन डिक्रीजेस एंड क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीजेस। और अगर डिसोल्यूशन कम हो गई है, इट मींस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये तो वो केसेस थे जिसमें या तो बढ़ रही है या घट रही है। अब हम टेम्परेचर का एक और इफेक्ट देखते हैं जिसमें सेम सब्सटेंस के साथ डिक्रीज इंक्रीज हो रही है। अब स्पेशल केसेस देखिए, देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स, सोडियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, इन केसेस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और फिर वो कम हो जाती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर आगे बढ़ाते हैं। तो इनका जो सॉल्युबिलिटी का कर्व है वो डिसकंटीन्यूअस होता है। रीजन बहुत सा सिंपल है, दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन वन सॉलिड फॉर्म टू अनदर। इधर है हाइड्रेटेड सॉल्ट और इधर हो गया एनहाइड्रस, तो दिस इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर 32.8 डिग्री सेल्सियस। इसके नीचे इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ और जैसी होगी और इस टेम्परेचर के ऊपर इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली फेरस सल्फेट, इसके भी 7 वाटर मॉलिक्यूल हट जाएंगे। कैल्शियम क्लोराइड, 2 वाटर मॉलिक्यूल हटेंगे तो 4 रह जाएंगे, फिर 2 हटेंगे तो सिंपली कैल्शियम क्लोराइड रह जाएगा। मतलब अगर आप इसको देखें तो पहले ये कन्वर्ट होगा कैल्शियम क्लोराइड 4H2O, फिर ये कन्वर्ट होगा कैल्शियम क्लोराइड 2H2O एंड अल्टीमेटली कैल्शियम क्लोराइड। तो एक सॉलिड फॉर्म से दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे से चौथा, तो अल्टीमेटली इनकी सॉल्युबिलिटी इट वेरीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरियस इररेगुलरिटीज। तो जनरली हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, तो जनरली इसको अगर हम कंक्लूड करें तो सिर्फ 2 लाइनें आप लिखेंगे अगर एग्जाम के अंदर आता है। इफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्स विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये रहा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, मींस डिसोल्यूशन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव और क्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या होगा, डेल्टा एच नेगेटिव। ठीक है, तो अगर सॉल्यूट डिसॉल्व्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि ली चैटलर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड को शिफ्ट करेगा। और एक्सोथर्मिक केस के अंदर देखें, इफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्स विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, मींस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कौन सा प्रोसेस फास्ट होता है, यस एंडोथर्मिक, और यहां पे वापसी वाला प्रोसेस जो हो वो एंडोथर्मिक होगा। ये चीजें हमने पहले बहुत ज्यादा डिटेल में लिखी हैं, लेकिन एग्जाम में अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आता है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है। इससे पहले जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, दैट मेंट फॉर योर नॉलेज एंड मेनी 1 मार्क क्वेश्चंस जो वहां से पूछे जा सकते हैं, टाइम टाइम पे मैंने आपको नोट करवाए हैं।
अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें तो आपको पता है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। इसका मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर इट इज निग्लिजिबल, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। मींस बहुत ही कम इम्पैक्ट रहता है प्रेशर के चेंज का इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ये चीजें आपने अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर देखी होती हैं। आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो और उसमें पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व की होती है अंडर हाई प्रेशर, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनेटेड वाटर। जो पानी आप लोग पीते हो इट कंटेन्स क्वाइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन इट, क्योंकि अगर आप बॉइल्ड वाटर पीते हो, गर्म पानी पीते हो, तो उसका टेस्ट अलग होता है, टेस्ट लाइक फ्लैट। लेकिन ठंडे पानी के अंदर सोलुबिलिटी ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर कम है तो गैस ज्यादा डिजोल्व रहती है। हम लोग बात कर रहे हैं सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो मेनी गैसेस डिजोल्व इन लिक्विड टू फॉर्म होमोजेनियस सॉल्यूशंस। द नेचुरल वाटर कंटेन्स डिजोल्व ऑक्सीजन विच इज वाइटल इन सस्टेनिंग ऑल एक्वेटिक लाइफ इन लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, सी एटसेट्रा। तो एक्वेटिक लाइफ को सस्टेन करने के लिए डिजोल्व ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितनी भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उसी डिजोल्व ऑक्सीजन के अंदर रेस्पिरेशन करते हैं, वहीं से ऑक्सीजन को लेते हैं। अब देखो अलग अलग गैसेस, डिफरेंट गैसेस आर सोल्यूबल इन वॉटर टू डिफरेंट एक्सटेंट, ठीक है। कुछ गैसेज ऐसी भी हैं विच आर सोल्यूबल इन सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, लाइक इथाइल एल्कोहल, ईथर, बेंजीन एक्सेट्रा। पानी के अंदर तो मैक्सिमम गैसेस की सॉल्युबिलिटी हम देखते ही हैं, कुछ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी डिजोल्व हो जाती हैं। तो अब डेफिनेशन देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड में बी डिफाइंड एज इट इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस दैट कैन डिजोल्व इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू फॉर्म द सेचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। कितने लीटर लिक्विड के अंदर आपने कितना वॉल्यूम गैस का डिजोल्व किया है टू फॉर्म सेचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज नोन एज सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। हमें कैलकुलेट करना हो कितनी गैस इसमें डिजोल्व है तो आप इन दो कंसेंट्रेशन टर्म्स को यूज कर सकते हैं। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। अगेन नेचर है, टेम्परेचर है और प्रेशर, तीन फैक्टर्स की हम बात करेंगे। नेचर के अंदर क्या चीज आएगी, अगेन मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस इन द सेम सॉल्वेंट वेरीज कंसिडरेबली। देखो एग्जाम्पल देखो, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, दे डिजोल्व इन वॉटर टू लेस एक्सटेंट, ये पानी में नहीं घुलती हैं ज्यादा। लेकिन अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, दे आर हाईली सोल्यूबल इन वॉटर ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। ये वाली गैसेस पानी के साथ केमिकली रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म, अमोनिया वॉटर के साथ कंबाइन करके बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके बना लेती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। तो दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, राइट। अब देखो ये जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, दे आर मच मोर सोल्युबल इन इथेनॉल, ठीक है, इथाइल एल्कोहल देन वाटर, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम। दूसरी तरफ अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, दीज आर लेस सोल्युबल, ये ऊपर वाली इथेनॉल में घुलती हैं, दीज आर लेस सोल्युबल इन इथेनॉल देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दस The most soluble gases are those which chemically react with solvent. कौन अच्छी तरह से लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो सकती है गैस, वही जो उस लिक्विड के साथ केमिकली बाइंड कर जाए। जैसे इधर अमोनिया इज हाईली सोलबल इन वॉटर, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली सोलबल इन वॉटर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज हाईली सोलबल इन वॉटर, क्योंकि ये सारी की सारी वॉटर के साथ केमिकली रिएक्ट करके और कंपाउंड्स बना लेती हैं, ठीक है।
सो ये थे नेचर ऑफ गैसेस इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स. अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा गैसेस की डिसोल्यूशन कम हो जाती है, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो आगे जाते हुए देयर इज डिसोल्यूशन, ठीक है, और वापस आते हुए गैस और लिक्विड दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है. अब अगर यहां पे हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल लगाएं तो वो क्या कहता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक यहां पे कौन सी है, बैकवर्ड, मींस सॉल्यूशन से गैस और लिक्विड दोनों अलग हो जाएंगे, गैस एस्केप कर जाएगी. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड घटती है, ठीक है. ओके, तो जनरली क्या हो गया, डिसोल्यूशन डिक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर. अब इसके आप कॉन्सिक्वेंसेस समझिए, आइदर यू टेक इट एज कॉन्सिक्वेंसेस और इसका इंपैक्ट. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स. देखो जितनी भी एक्वाटिक स्पीशीज हैं, फिश हैं, फ्रॉग हैं, और कितने सारे एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं पानी के अंदर, दे फील मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग विंटर रादर देन समर. समर्स के अंदर उनको प्रॉब्लम रहती है, लेक हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गई, दे आर मोर कंफर्टेबल इन विंटर. रीजन, विंटर में टेम्परेचर लो है तो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगी. पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो उनको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसका ऑपोजिट अगर हम लें, जब टेम्परेचर हाई है ड्यूरिंग समर तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेस होगी, तो उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी. तो ये तो सिर्फ समर और विंटर के टेम्परेचर की बात है. आपको पता है सी के अंदर मैक्सिमम एक्वेटिक लाइफ, जितने भी उसमें अलग अलग तरह की फिश रहती हैं, अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, दे ट्राई टू स्टे विद सरफेस. वो सरफेस के साथ रहना पसंद करते हैं, सरफेस के साथ मूव करते हैं. आपको पानी के ऊपर ऊपर, पानी के ऊपरी लेवल के ऊपर आपको एक्वेटिक लाइफ बहुत कम दिखाई देगी. जितना भी हमारे सी का नीचे लेवल है, उसका जो तल है, वो उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं. रीजन, जितना हम ऊपर जाएंगे, पानी के ऊपर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर हाई होगा, जितना उसके डीप जाएंगे टेम्परेचर लो होगा, और लो टेम्परेचर की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी मोर इन द लो लेवल ऑफ सी वाटर रादर देन अपर लेवल ऑफ सी वाटर. तो एक्वेटिक एनिमल्स इन सी, दे प्रेफर टू स्टे विद लो लेवल. ओके, इसको भी मैं नोट कर देती हूँ. अब कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस देखिए. मैंने आपको अभी बताया that marine life like fish prefers to stay at lower level and stay away from the upper layer of water because in summer temperature of upper surface of water is high, that is solubility of oxygen in upper layer is less as compared. At the same time temperature of lower level of sea water is low, therefore solubility of oxygen is more. इसलिए fish at समुद्र तल के साथ चलती हैं. इसके अलावा हॉट एंड बॉइल्ड वाटर टेस्ट फ्लैट एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन कोल्ड वाटर. आप पानी को बॉइल करते हो तो ऑक्सीजन निकल जाती है, गर्म पानी पीते हो तब भी उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम रह जाती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है. इसलिए गर्म पानी का टेस्ट कुछ और होता है और ठंडे पानी का टेस्ट कुछ और होता है. इसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स, दे टेस्ट प्रॉपर. कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट प्रॉपर बर्निंग तभी आता है जब वो कोल्ड ड्रिंक है, जब वो चिल्ड है, ठीक है, लो टेम्परेचर पे है, क्योंकि टेम्परेचर लो है, दैट इज हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, तो उस वजह से कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट प्रॉपर नहीं आएगा. अब देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर. सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर. अंडर नॉर्मल प्रेशर the number of gas molecules entering the solution is equal to number of dissolved molecules leaving the solution phase. देखिए जिस वक्त हम dissolution की बात कर रहे हैं, solubility की बात कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा diagram बना के समझाने की कोशिश करती हूँ. देखिए इस container के अंदर we are having
अ सॉल्वेंट, लेट इट बी वॉटर, और इसके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स, राइट, और ये गैस के मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर भी डिजोल्व है. ठीक, ये नॉर्मल प्रेशर है कि आपने एक गिलास में पानी डाला और टेबल पे रख दिया, किचन में, बाहर कहीं पे भी रख दिया, क्योंकि पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर सेम लग रहा है, दैट इज वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो यहां पे नॉर्मल कंडीशंस में हो सकता है दो मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में से बाहर जा रहे हैं और तीन मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन अभी नंबर बराबर नहीं हुआ. इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब अंदर आने वाले भी दो होंगे, बाहर जाने वाले भी दो होंगे. नॉर्मल प्रेशर के ऊपर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंटरिंग द सॉल्यूशन आर सेम और इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स. ये देखो, डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं, सॉल्यूशन फेज से बाहर जा रहे हैं. तो जिस वक्त हम प्रेशर बढ़ाएंगे, यहां इक्विलिब्रियम आ गया ना, तो दिस इज सॉल्युबिलिटी. जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया, ये गैस मॉलिक्यूल्स, अब हमने प्रेशर बढ़ा दिया, ये गैस मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आ गए, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ा. यहां पे गैस ज्यादा इकट्ठी हो गई, तो ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड के या वॉटर के अंदर जाएंगे. तो एज द प्रेशर इंक्रीजेस बाय कंप्रेसिंग द गैस टू अ स्मॉलर वॉल्यूम, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब थोड़ी सी जगह में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गई, एज अ रिजल्ट मोर मॉलिक्यूल्स विल स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ लिक्विड. वॉटर के सरफेस के ऊपर ज्यादा मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे और डिजोल्व होते जाएंगे. इस तरीके से सोलुबिलिटी ऑफ गैस इट विल इंक्रीज अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम इज अटेंड. जैसे पहले था ना, पहले वाली सिचुएशन के अंदर आपने देखा था ओपन कंटेनर था, तो जितने मॉलिक्यूल अंदर थे बाहर थे, तो अगर दो अंदर आ रहे थे तो अंदर से दो बाहर जा रहे थे. लेकिन अब हमने क्या किया, हमारे पास न्यू सिचुएशन क्या आई, हमने गैस का वॉल्यूम घटाया है. और किस तरीके से, ये हमारे पास लिक्विड था, अब हमने यहां पे पिस्टन लगा दिया. ठीक, पिस्टन मूव किया, तो जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर लगा, लेट इट बी द न्यू पोजीशन, अब गैस मॉलिक्यूल्स बिल्कुल नजदीक नजदीक आ गए, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तो ज्यादा डिसोल्यूशन होनी शुरू हो जाएगी. तो यही हमने यहां पे लिखा है, पहले वाली सिचुएशन नॉर्मल, जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, जगह कम हो गई, वॉल्यूम कम हो गया, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जो लिक्विड का सरफेस है उसके ऊपर टकराएंगे, क्वाइट ऑब्वियस डिसोल्यूशन बढ़ जाएगी. और इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर. जब सॉफ्ट ड्रिंक की फिलिंग होती है तो उसको इसी तरीके से हम अंडर प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर डिसॉल्व करते हैं. ठीक है, अभी हम हाई प्रेशर की बात कर रहे थे. ये रहा लिक्विड ओपन, लिक्विड के अंदर नो डाउट यहां पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं और गैस मॉलिक्यूल्स यहां पे भी थे, अभी देखो दूर दूर थे. हमने यहां पिस्टन लगा दिया, सेकेंड सिचुएशन के अंदर हमने यहां पिस्टन लगाया और देखो ये था पहले वाला वॉल्यूम, अब ये न्यू वॉल्यूम आ गया, इट वॉज वी वन, इट इज वी टू. अब जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे इस जगह पे आ गए, ये था वाटर का सरफेस. ये लोग सरफेस के ऊपर टकराएंगे और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे, प्रेशर ऊपर से बढ़ेगा, तो ये मॉलिक्यूल आगे कहां जाएंगे, क्वाइट ऑब्वियस लिक्विड के अंदर ही जाएंगे. तो इस तरीके से इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सोलुबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर. और इसको हम और भी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे विद हेनरीज लॉ. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरीज लॉ. सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं. द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन. मीन्स एक कंटेनर के अंदर वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास लिक्विड है और लिक्विड के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हैं, और उसी कंटेनर के ऊपर क्योंकि यहां पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो देखो वो कहता है कितनी गैस इसमें डिसॉल्व कर रही है, मास ऑफ गैस, कितना मास है इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम
एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास आ रहा है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना प्रेशर है इसके ऊपर गैस का। तो दिखती सी बात है, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतनी डिसोल्यूशन ज्यादा होगी। ठीक है, अब इस ओपन कंटेनर को हमने क्लोज कर दिया। ठीक, तो लेट मी हैव, हम यहां काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, देर आर 13 मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज बाउंड्री ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसको हमने फिट कर दिया एक पिस्टन के साथ, तो ये रहा V1 वॉल्यूम इनिशियली। ओके, फिर हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने का मतलब अभी ये वॉल्यूम कितने, ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, वॉल्यूम ज्यादा है, हमने कितने काउंट किए हैं, 13। ओके, अब देखना पिस्टन की पोजीशन यहां पहुंच गई, तो अब ये वाला वॉल्यूम क्या हो गया, V2, वेयर V2 इज स्मॉलर देन V1, V1 बड़ा है। अब ये है पिस्टन की नई पोजीशन, तो यहां कितने मॉलिक्यूल देख रहे हो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो कितने सारे मॉलिक्यूल्स छोटे से वॉल्यूम में आ गए, सरफेस के नजदीक पहुंच गए, ये सरफेस के साथ टकरे मारेंगे, स्ट्राइक करेंगे और अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर जाना, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के अंदर जाना शुरू कर देंगे। आप प्रेशर और बढ़ाओगे, उनको कहीं और जाने की जगह तो है ही नहीं, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, यहां से यहां पहुंचाया और प्रेशर लगाएंगे, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट के अंदर घुलते जाएंगे। तो यही कहता है हेनरीज लॉ कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। तो अगर m इज इक्वल टू मास ऑफ गैस एंड स्मॉल p इज प्रेशर ऑफ गैस, देन अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। सिंपल, रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज m इज इक्वल टू kp। सिंपल, यहां पे k क्या है, k इज नोन एज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ k डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीजों के ऊपर k का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, नंबर वन नेचर ऑफ गैस, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, देन दूसरा रहेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड फैक्टर विल बी टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, और फोर्थ किस पे डिपेंड करेगा, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, हमने इस प्रेशर को किन यूनिट्स में लिया, बार में लिया, एटमॉस्फेयर में लिया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, देन यूनिट्स ऑफ प्रेशर। इन चार चीजों से आप के का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन ही यहीं से आ जाता है। तो ये तो सिंपल व्हाट इज हेनरीज लॉ, अब हम इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करने वाले हैं। देखिए, अब देखो हेनरीज लॉ को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, पिछली वाली स्लाइड में आपने देखा दैट m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p एंड m वाज इक्वल टू kp, दैट वाज प्योरली हेनरीज लॉ। अब उसकी एक्सटेंशन देखिए, इन द सेम टाइम जिस वक्त हेनरी ने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में अपना लॉ फ्रेज किया, डॉल्टन भी इसी के ऊपर काम कर रहा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और आप जानते हो इट डील्स विद पार्शियल प्रेशर्स, तो उसने जो स्टेटमेंट दी इंडिपेंडेंटली इट वॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, राइट, सॉल्युबिलिटी, देखो मास ऑफ गैस का मतलब ही तो सॉल्युबिलिटी ही है ना। तो अब अगर हम वहां पे मास की जगह पे मोल फ्रैक्शन यूज करें एज अ मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी, देन हम कैसे स्टेटमेंट देंगे, दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, दैट इज मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब ये रहा मोल फ्रैक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, वेयर P, it is partial pressure of gas, right? Okay, removing the sign of proportionality, हम proportionality के sign को हटा के यहां पे लिखेंगे K dash P, क्योंकि K हम पहले ले चुके हैं,
कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो यहां पे पी किसके बराबर आएगा, पी को हम यहीं रखें तो इट विल बी इक्वल टू, पी विल बी इक्वल टू वन अपॉन के डैश इंटू एक्स, के इधर आ जाएगा। अब ये जो वन अपॉन के डैश है इट इज अगेन इक्वल टू वन मोर कॉन्स्टेंट दैट इज के एच, वेयर के एच इट इज हेनरीज कॉन्स्टेंट, दिस इज नोन एज हेनरीज कॉन्स्टेंट। तो क्या आया हमारे पास, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो वी गेट पी इज इक्वल टू के एच एक्स। ये स्टेटमेंट हमने यहां पे डिराइव करनी थी, P इक्वल टू के एच एक्स, वेयर के एच इज हेनरीज कॉन्स्टेंट। तो अब अगर हमें इसको फिर से डिफाइन करना हो, वन अपॉन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू अनदर कॉन्स्टेंट, तो अब यहां पे डेफिनेशन जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। अब हमें डिफाइन करना है हेनरीज लॉ को, जो डेरिवेशन आपने यहां पे की, तो देखो आप यहां से क्या डिराइव करते हो, पार्शियल प्रेशर, पी क्या है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर तो गैस का ही होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसकी स्टेटमेंट, वेयर दैट इज P इज इक्वल टू के एच एक्स। ठीक है, यहां से डेराइव करके हमने डेफिनेशन वहां पे बनाई है, तो अब जो डेफिनेशन आपने लिखी है दैट इज P इज इक्वल टू के एच एक्स, वेयर P इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज एंड X इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन, और के एच तो आप जानते हो दिस इज हेनरीज कॉन्स्टेंट। तो इट वॉज ऑल अबाउट हेनरीज कॉन्स्टेंट एंड हेनरीज लॉ। आप चाहे ये डेफिनेशन लिखे, आप चाहे जो मैंने बिगनिंग में डेफिनेशन बताई उसको लिखे, वन एंड द सेम थिंग। अब देखते हैं हेनरीज लॉ की यूटिलिटीज क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। टॉकिंग अबाउट लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब हेनरीज लॉ वैलिड होता है। देखिए, इट इज वैलिड एट लो प्रेशर, ये लो प्रेशर के ऊपर वैलिड है। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है दैट शोज कंसिडरेबल डेविएशन। आपको मैंने बताया था कि वो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। दिस लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर कम होना चाहिए लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। Now, it is valid if the gas is not highly soluble. Gas इतनी ज्यादा soluble भी नहीं होनी चाहिए कि equilibrium ही ना maintain कर पाए, कि solution को छोड़कर vapor phase में ना जा पाए. Then, it is valid if gas neither reacts chemically with the solvent nor dissociate or associates in the solvent. देखो, Henry's law सिर्फ solubility की बात करता है। अगर कोई गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट के अंदर जाते ही बना लेती है सल्फ्यूरस एसिड, राइट, तो गैस की तो बात ही खत्म हो गई। अब ये बाहर SO2 की फॉर्म में तो जा नहीं सकती, आई जरूर थी, तो केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई गैस हमने ली और वो अंदर जाते ही डिसोसिएट कर गई, या हमने कोई गैस ली वो अंदर जाते ही एसोसिएट कर गई। तो गैस ऐसी होनी चाहिए जो केमिकली सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट ना करे, डिसोसिएट ना करे और एसोसिएट ना करे। जैसे वो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के अंदर जा रहा है वैसे ही वो बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, लाइक ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व रहती है, आसानी से जाती है, आसानी से आती है। तो ये थी कुछ लिमिटेशंस। अब हम हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस की बात करेंगे। टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, देखिए सबसे पहली एप्लीकेशन है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। अपनी डेली लाइफ में आपने कितनी सारी ऐसी बेवरेजेस देखी हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक्स देखी हैं, पीते भी हैं, सोडा वाटर है, बियर है, शैंपेन है, ये सारी की सारी बॉटल्स सील की जाती हैं अंडर हाई प्रेशर। तो जब भी इनकी बॉटल को भरा जाता है अंडर हाई प्रेशर, इसको भर दिया, ठीक है, तो
इसके ऊपर थोड़ी सी जगह आपने देखा होगा खाली होती है, उसमें एयर का प्रेशर रहता है बहुत ज्यादा। तो जैसे ही नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर इस ढक्कन को खोला जाता है, ढक्कन हटा दिया, तो अंदर से आपको पता है गैस फिज की साउंड करते हुए बाहर आना शुरू कर देती है। नो दिस इज ड्यू टू हेनरीज लॉ कि गैस की डिसोल्यूशन डिपेंड कर रही थी उसके ऊपर प्रेशर की वजह से, तो काफी सारी डिजोल्व थी। जैसे ढक्कन हटाया प्रेशर रिलीज हुआ क्योंकि ऊपर का प्रेशर चेंज हो गया। आप बॉटल का ढक्कन खुला रहने दीजिए, देखना क्या होगा। धीरे धीरे गैस सारी की सारी निकलती जाएगी और उसका टेस्ट बिल्कुल जब फ्रेश बॉटल खोलते हैं उसके जैसा नहीं रहता। नेक्स्ट इज एट हाई आल्टीट्यूड्स। आपने देखा होगा माउंटेनियर्स हाई आल्टीट्यूड्स के ऊपर जाते हैं, तो जैसे जैसे हाई आल्टीट्यूड्स पे जाते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वहां पे ग्राउंड लेवल से कम होता है, तो उस वजह से क्या होता है उनके ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हुई तो जो क्लाइंबर्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, एंड दे आर अनएबल टू थिंक क्लियरली, क्योंकि ब्रेन का फ्यूल क्या है, ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है तो दे कैन नॉट थिंक क्लियरली, और इस सिचुएशन को बोलते हैं एनोक्सिया। डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनोक्सिया। तभी जो माउंटेनियर्स हैं वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, यस, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ इज इन डीप सी डाइविंग, और आप जानते हैं इसको बोलते हैं स्कूबा डाइविंग। तो पहले हम स्कूबा डाइविंग के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि वहां हेनरीज लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है, उसके बाद आई विल रीड आउट ईच एंड एवरी लाइन फॉर यू पीपल इसको फोकस करके। तो देखिए, डीप सी डाइवर्स आपको पता है अपने साथ कंप्रेस्ड एयर का सिलेंडर लेके डाइव करते हैं। आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी टीवी पे या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या डिस्कवरी पे, नहीं देखी है तो जरूर देखना स्कूबा डाइविंग, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, ये जो कंप्रेस्ड एयर लेकर वो लोग डाइविंग करते हैं उसके अंदर होती है दो गैसेस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी नाइट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करती है। अब वो कॉम्पोजिशन जो डाइवर्स लेके जा रहे हैं उसमें दो चीजें हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, नॉर्मल कंडीशंस में ब्लड के अंदर नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, नाइट्रोजन डज नॉट डिजॉल्व इन ब्लड। लेकिन जब कंप्रेस्ड एयर है और पानी के नीचे जा रहे हैं वहां पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो क्या होगा, ड्यू टू हाई प्रेशर लगा ना हेनरीज लॉ, वो नाइट्रोजन ब्लड के अंदर चली गई, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, प्रेशर ज्यादा था तो नाइट्रोजन चली गई, लेकिन डाइवर्स हमेशा के लिए वहीं थोड़ी ना रहने वाले हैं। तो जैसे ही डाइवर्स सरफेस के ऊपर आते हैं, अब प्रेशर कम हुआ तो गैस मॉलिक्यूल्स बाहर आने शुरू हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन भी बाहर आना शुरू करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, जैसे ही वो वापिस आने की कोशिश करती है, जैसे वो कोक पेप्सी की बॉटल से बबल्स आते हैं ना, उसी तरीके से ब्लड के अंदर भी बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। बबल बन गया तो वो क्या करेगा, जो हमारी कैपिलरीज के अंदर, हमारी वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं हो जाएगी, बबल्स आ गए ना बीच में, तो दे विल रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड। इतना ही नहीं, इवन कैपिलरीज जो छोटी छोटी हमारी आर्टरीज होती हैं, स्मॉल स्मॉल जिसमें ब्लड फ्लो करता है, इसकी वजह से जब नाइट्रोजन बाहर आने के लिए भागती है क्योंकि प्रेशर रिलीज हो गया ऊपर से, पहले तो प्रेशर ज्यादा था तो इट वॉज इन सोल्यूबल फॉर्म, प्रेशर हट गया तो इट विल कम आउट, क्योंकि नॉर्मली इसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में तो है ही नहीं। एक तो रास्ता रोका, रिस्ट्रिक्शन लग गई, बबल्स बन गए, इवन कैपिलरीज बर्स्ट कर जाती हैं, एंड दिस सिचुएशन इट इज वेरी वेरी पेनफुल एंड डेंजरस, और इसको बोलते हैं बेंड्स, राइट, समटाइम्स इट मे लीड टू डेथ। अगर वो बबल्स आपके ब्रेन में चले जाते हैं, हार्ट के बाल के अंदर चले जाते हैं, तो इट इज डेंजरस। तो ये सिचुएशन ना हो, स्कूबा डाइविंग आसान हो जाए, तो आजकल अब क्या यूज किया जाता है, नाउअडेज डाइवर्स दे यूज एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% एंड ऑक्सीजन 32.1%। अब ऐसा क्यों करते हैं, हीलियम का साइज नाइट्रोजन के कंपैरेटिव बहुत छोटा, तो सोलबिलिटी बहुत कम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंपैरिजन में हीलियम इट्स अ नोबल गैस,
इसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर बहुत कम है, तो इन केस इसको सॉल्युबल हो भी जाता है तो जैसे ही ये बबल आउट करके बाहर आएगी ड्यू टू वेरी स्मॉलर साइज ये वॉल्स में से इधर उधर आसानी से हो जाएगी, तो ना तो बबल्स बनेंगे ना रास्ता ब्लॉक होगा और जो डाइविंग है दैट विल बिकम अ फन। ठीक है, अब मैं ये सारा आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ एक बार। वेल, क्योंकि आपको कॉपी में नोट करना है तो आप देख लीजिए ध्यान से। इन डीप सी डाइविंग, डीप सी डाइवर्स यूज कंप्रेस्ड एयर फॉर ब्रीदिंग एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। द कंप्रेस्ड एयर कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन ब्लड एट नॉर्मल प्रेशर बट becomes soluble under high pressure underwater. Thus, more nitrogen enters the bloodstream due to high pressure. अब क्या होता है? When divers come to the surface, the pressure decreases. ठीक है, pressure decrease हुआ and nitrogen comes out of the body forming bubbles in bloodstream. These bubbles restrict blood flow and affect the transmission of nerve impulses. Now these bubbles can even burst the blood capillaries or block them and make the tissue deficient of oxygen. Now this condition is very painful and dangerous, known as the bends. To avoid this situation, nowadays divers use air diluted with helium 11.7%, nitrogen 56.2% and oxygen 32.1%. Next question, why they are using एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम? आप देखो, हमने हीलियम के साथ कंप्रेस्ड एयर को डाइल्यूट क्यों किया या व्हाई हीलियम इज मिक्स्ड? तो उसका आंसर कई बार अलग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो आपको क्या लिखना है? बिकॉज ऑफ लोअर सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम इन ब्लड एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ऑल्सो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द हीलियम एटम, देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दे कैन पास थ्रू सेल वॉल्स विदाउट एनी डैमेजेस, राइट? और क्योंकि हीलियम कोई डैमेज नहीं कर रहा है, लेकिन जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है इट विल बी यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म एंड डज नॉट कॉज कंडीशन ऑफ बेंड्स, इससे बेंड्स नहीं आते। फोर्थ एप्लीकेशन इज इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। देखो, लंग्स ने फंक्शन किस तरीके से किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हेनरी लॉ को फॉलो करते हुए अगर हमें बेंड्स का इफेक्ट, पेनफुल इफेक्ट कम करना है, तो व्हाट वी डिड ड्यूरिंग डीकम्प्रेशन, जिस वक्त वो सरफेस के ऊपर आते हैं, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट्स ऑफ डीप सी डाइवर्स ड्यूरिंग डीकम्प्रेशन, जब वो बाहर आते हैं, ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विद लेस सॉल्युबल हीलियम गैस इज यूज्ड एज ब्रीदिंग गैस। क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी कम है उसकी, जैसे प्रेशर हटेगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। So, इस तरीके से लंग्स के ऊपर किसी भी तरह का लोड नहीं पड़ता और डाइविंग जो है वो आसान हो जाती है। सो इट वॉज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स अलोंग विद हेनरीज लॉ, इट्स लिमिटेशंस एंड इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस, बात करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में और कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। टिल देन, complete your notes.